YouTube के अंदर अगर आप चैनल को ग्रो करना चाहते हो, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देख लो मेरे भाई। मैं आज जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपको आज रिजल्ट जरूर देगी। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखो प्रूफ के बिना कोई भी यकीन नहीं मानता। मेरा एक चैनल देखो आपके सामने है, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। कैसे करे, कब करे, ये बात की बात है। इसके बाद आप दूसरा चैनल देख लो, इसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपकी आंखों के सामने चैनल दिख रहा होगा आपको। इसके बाद मैं आपको एक और चैनल अपना दिखाऊं जिसमें 6000 सब्सक्राइबर हैं, ये चैनल भी मेरा है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, मैं अपना आपको एक और चैनल दिखाता हूँ जिसमें 2000 सब्सक्राइबर हैं। ये सारे चैनल मेरे ही हैं और इनमें सब में सब्सक्राइबर मैंने ही कंप्लीट कर रखे हैं। और इसमें 2-3 चैनल तो ऐसे जो मोनेटाइज हैं, 2-3 क्या 2 चैनल मेरे ऐसे जो मोनेटाइज हैं, और एक जो है जिसमें सिर्फ 100 घंटे कम बचा वॉच टाइम कंप्लीट होने के लिए, वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर आप इतना देख चुके हैं तो इतना तो आप मानते होंगे कि मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज तो है यहाँ पर जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसे चैनल ग्रो हो सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले लाइव क्लिप दिखाता हूँ कि अभी आज की डेट में मैंने एक नया चैनल ग्रो कर रखा है, और वो कैसे ग्रो करा वो चीज़ आपको बताऊँगा, वही फॉर्मूला आपने भी अपनाना है। देखो यहाँ पर मैं अपने चैनल पर ले चलूँ, ये मेरा चैनल है, नया चैनल जिसमें देखो 1800 सब्सक्राइबर है। ये चैनल देखो मोनेटाइज चैनल, देखो यहाँ पर रेवेन्यू आ रही है, ये 2-3 दिन पहले ही मोनेटाइज हुआ है, इसलिए रेवेन्यू अभी सिर्फ यहाँ पर $1 यहाँ पर बनी है। अब इस चैनल की बात करूँ, इस चैनल की मैं कंटेंट पे जाऊँ तो मेरे सारे कंटेंट देख लीजिए, सब में व्यूज़ देख लीजिए कितने सारे व्यूज़ हैं, 1000, 2000, 14000 व्यूज़ यहाँ पर देख रहे, 3000 व्यूज़, 3000 व्यूज़, 2000, 5000, 1000, 1600 करीब यहाँ पर, 1900 व्यूज़, 2000 व्यूज़, 6000 व्यूज़, 2000। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे व्यूज़ जो हैं यहाँ पर 1000 से ऊपर ही हैं, और ये चैनल मैंने मोनेटाइज करा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं आपको एनालिटिक में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे को वॉच टाइम मिला है सिर्फ 28 दिन के अंदर। ये ग्राफ जो दिखा रहा है 28 दिन का दिखा रहा है, और इसमें 28 दिन के अंदर मुझे 2600 घंटे का वॉच टाइम। आपको साल भर का मौका मिलता है वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, बट मैंने यहाँ पर 2600 घंटे सिर्फ मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगर आप ये चीज़ खुद भी अपने चैनल पे साथ करना चाहते हैं तो मेरी आज की बताई हुई ट्रिक को फॉलो करो। मैंने कौन सी ट्रिक फॉलो करी जो इस चैनल को मैंने मोनेटाइज कर दिया, इस चैनल का ग्राफ देख लिए रेगुलर ऊपर को जा रहा है, तो मैंने कौन सा काम वो करा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आपका चैनल टेक कैटेगरी का हो, चाहे आप यूट्यूब टिप्स की वीडियो बनाते हो, चाहे आप कोई और टेक्निकल वीडियो बनाते हो, या फिर आप व्लॉग बनाते हो, टोटल मिला के यूट्यूब में जितनी कैटेगरी होती है उनमें से कोई सी भी कैटेगरी का अगर आपका चैनल है तो आप यहाँ पर जरूर अपने चैनल ग्रो कर सकते हो। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चैनल यहाँ पर ग्रो कर रखे हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो एग्जाम नॉलेज होगा। आप लोग यहाँ पर वीडियोस देखते हो बड़े क्रिएटर की, जैसे मनोज दे क्रिएटर सर्च है, उन लोगों की वीडियोस में आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, आज तक आपने कितने सारे लोगों की वीडियो देखी, बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखी, आज तक आपको कोई रिजल्ट मिला? सबकी बातें घुमा फिरा के एक ही टॉपिक पर आ जाती हैं, वो सब राउंड राउंड बातें करते हैं आपसे, मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उनकी वीडियोस को देखते रहो। वो आपको लालच देंगे, अपनी तरक्की दिखाएंगे, अपना पैसा दिखाएंगे, अपना स्टूडियो दिखाएंगे, अपना सेटअप दिखाएंगे, ताकि आपके मन में भी लालच आए और आप भी एक दिन यूट्यूबर बन के लाखों रुपया कमा सको। ये मन में ख्याल आपके लाते हैं वो, और ये ख्याल आपके दिमाग में आता भी है कि एक दिन हम भी यूट्यूबर बन के हमारे चैनल भी ग्रो होगा और इनकी तरह हम भी पैसा कमाएंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप अच्छा सोचते हो, लेकिन आपकी जो सोच पैदा कर रहा है वो इंसान गलत है। आप एक गलत गुरु के मार्गदर्शन में चल रहे हो जहां से आपको गलत ज्ञान मिल रहा है, जिससे आप चैनल ग्रो करने की उम्मीद पर हो, बट आपका चैनल ग्रो नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं आज की वीडियो जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 10 दिन फॉलो करो, 10 दिन से ऊपर फॉलो मत करना यार। अपनी जिंदगी के 10 दिन मुझे दे दो, मेरे कहे हुए तरीके से काम कर लो, 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ना मिले, सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट ना मिले, तो भाई मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानना, मेरी वीडियोस मत देखना, जो आपको अच्छा लगे वो करना भाई। फिर उसके बाद अगर आपको 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो
यहाँ पर देखो मैंने जो वॉच टाइम करके 28 दिन के अंदर, ये आपका भी कंप्लीट हो सकता है। मेरे तो सिर्फ 2600 घंटे हुए हैं, आपका 4000 घंटे आसानी से हो सकता है। साथ में जो व्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं 37000 व्यूज, ये आपके भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इंप्रेशन देखो, मुझे कितने सारे इंप्रेशन जाते हैं मेरे चैनल के, आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो इंप्रेशन 3 लाख, 3.5 लाख इंप्रेशन मेरे चैनल के गए हुए हैं सिर्फ 28 दिन के अंदर। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला अपनाया, देखो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो, वो लोग बोलते हैं भाई ये सेटिंग कर लो, मैं बोलूँ भाई कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे भाई ये कैटेगरी कर लो, मैं कह रहा हूँ कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। जो अफवाह बड़े यूट्यूबर ने आपके दिमाग में बैठा दिए ना, उसको सबसे पहले दिमाग से निकालो। वो कौन सी अफवाह है, बड़े क्रिएटर आप लोग से बोलते हैं जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस पर वीडियो डालो, और आज तक आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जिस चीज पर आपका इंटरेस्ट है आप उस पर वीडियो डाल रहे हो। बड़े क्रिएटर आपसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई सही बात है, अगर आप इस रास्ते में चलोगे ना, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। और बड़ा क्रिएटर यही चाहता है, जो मनोज दे क्रिएटर सर्च, जो अलग अलग क्रिएटर को आप देखते हो ना, ये सिर्फ आपको वो बातें बताते हैं जिससे आप गुमराह हो सको, ताकि आपका चैनल ग्रो ना हो और आप रेगुलर दिन प्रतिदिन इनकी वीडियोस को देखते रहो, आप इनके लालच में आते रहो, इनकी दिखाई हुई चीजों से आकर्षित होते रहो। यही ये लोग चाहते हैं। अगर आपका चैनल ग्रो हो गया तो कल के दिन आप तो इनकी वीडियो नहीं देखोगे ना। अगर सभी को यूट्यूबर बना दे तो इनका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। मान लीजिए यूट्यूब टिप्स में एक और बंदा है जो क्रिएटर सर्च या मनोज दे की वीडियो देख रहा है, अब मान लो वो मनोज दे की वीडियो देखे ग्रो गया, तो एक दिन कहीं ना कहीं वो टारगेट या फिर टक्कर देगा मनोज दे को, क्रिएटर सर्च को टक्कर देगा, जो व्यूज थे वो बट जाएंगे। जितने व्यूज अभी तक मनोज दे को टोटल आ रहे थे, अब देखना मनोज दे के व्यूज थोड़े डाउन हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि नए नए क्रिएटर, जैसे कि क्रिएटर सर्च हो गया और भी नए नए क्रिएटर यहां पैदा हो चुके हैं जो मनोज दे के ऑडियंस को खींच रहे हैं। अब एक और कंपटीशन आप भी बढ़ जाओगे तो भाई उनके व्यूज जो है वो और कम हो जाएंगे, और यही वो लोग नहीं जाते हैं। तो मैं आपको वो जरिया बता देता हूँ, आप नहीं करना है उनकी वो बात तो नहीं माननी है भाई, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस पर वीडियो बनाओ। आपको सालों साल लग जाएंगे, आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें बनाते रहोगे लेकिन वो चीज़ चलेगी नहीं। देखो यूट्यूब के अंदर कभी भी आपका आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं चलती है, वो सिर्फ इत्तेफाक होता है, कभी कभार किसी की पसंद की चीज़ चल जाती है, बट नहीं तो नहीं चलती है। आपने क्या करना, देखो चैनल ग्रो करना ना, एक बार के लिए अपनी पसंद को साइड रख लो। सोच लो अगर आपके पास एक दिन 1 मिलियन वाला कोई और कैटेगरी का चैनल है, अब आपको अपनी पसंद का चैनल ओपन करना है तो आपको 2 मिनट लगेंगे अपने चैनल को ओपन करने में और उसको ग्रो करने में, क्योंकि आपके पास सबसे पहले इनकम का सोर्स है, मोटिवेशन का सोर्स है, और आपके पास एक ऑडियंस का सोर्स है जहां से आप ऑडियंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। शुरुआती ऑडियंस तो आपको उसी मेन चैनल से आ जाएगी, तो वो 1 मिलियन वाला चैनल आपकी पसंद का तो नहीं होगा, लेकिन आपके पास वो चैनल हो तो आपको कितनी खुशी होगी। तो वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपनी पसंद को साइड छोड़ के अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट डालो। जो जो मिक्स कंटेंट आप डाल सकते हो ना, जो जो आपके दिमाग में है, व्लॉगिंग भी डालो, कुकिंग भी डालो, टैग वीडियो भी डालो, टोटल मिला के जो जो कैटेगरी आपको लग सकती है आप बना सकते हो ना, जिसमें आप पर 100 टॉपिक निकल सकते हैं, उनको डालो तो उनमें से आप देखोगे आपने 10 दिन ये काम करना है। 10 दिन ये काम करोगे तो आप देखोगे आपने डेली की एक वीडियो डालनी है, क्वालिटी कंटेंट डाल लो। अब 10 में से ऐसे तो होगा नहीं कि सारी वीडियोस के व्यूज बराबर होंगे। अगर आपके 50 व्यूज आते हैं या फिर 100 व्यूज आते हैं, तो अभी तक आपके व्यूज आ रहे होंगे 35, 40, 50, 60, 70, इसी बीच में आप घूम रहे होंगे। जब आप ये काम करोगे तो 10 वीडियो में से किसी ने एक वीडियो में आपके व्यूज 200, 300, 400, 500 या फिर 1000 ये पार कर चुका होगा आंकड़ा। अब आपने नोटिस करना, आपने कौन सी वीडियो ऐसी बनाई थी जिसमें यहाँ पर आपकी एवरेज व्यूज से ज़्यादा व्यूज आए, यानी कि आपने मान लो टैग कैटेगरी का आपका चैनल है, अब आप यहाँ वीडियो बनाते हो फिटनेस की, आपने एक वीडियो बनाई फिटनेस की बनाती है और वो वीडियो में व्यूज आ गए 1000, तो अब आपने क्या करना है कि समझ लो आपका चैनल उस एल्गोरिथम में फंस रहा है जिसमें फिटनेस की टिप्स देते हैं। तो आपने जो वीडियो बनाई उसी सेम टाइटल, सेम टैग, सेम डिस्क्रिप्शन पे डाल दो 3 से 4 वीडियो। अब आप बोलेंगे भाई ये तो स्पैमिंग होती, यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। भैया यूट्यूब तब अलाउ करता है, नहीं करता, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो। मोनेटाइजेशन में जिस दिन पहुंचोगे ना, उस दिन सब गलतियां सुधार लेना, जो आपकी वीडियोस हैं उनको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सब चेंज कर लेना। मैंने भी करा भाई, ये चैनल मेरा जब मोनेटाइज होने के लिए जा रहा था ना, उससे पहले मैंने इसमें स्पैमिंग करी थी, मैं टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन की स्पैमिंग करी थी
और जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजना था उससे पहले मैंने सारे स्पैमिंग को ठीक कर दिया। तो आपने मान लीजिए जो हेल्थ टिप्स की वीडियो दे रहे थे आपकी वो वीडियो रैंक कर गई, 10 में से एक वीडियो वो बनी थी, तो आपने सिर्फ उस वीडियो में 3 से 4 वीडियो बना देनी है, सेम टाइटल सेम टैग सेम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। आप देखेंगे आपके जो अभी तक एवरेज व्यूज आ रहे थे ना उससे बेहतरी आएंगे। फिर आपने समझ लेना अगर आप 3-4 वीडियो डाल देंगे, 3-4 में से एक वीडियो भी आपके पहले एवरेज व्यू से ज्यादा व्यूज लेके दे दी आपको, तो समझ लो आपने इसी कंटेंट पे वीडियो बनानी है। अब रेगुलर फिटनेस के ऊपर या बॉडी टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाओ, जितनी वीडियो बना सकते हो आपने उसी कैटेगरी में चैनल ग्रो करना है। अब मारे धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होने लगेगा, एक दिन आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल हो गया, उसके बाद आपकी अपनी पसंद का चैनल आप बना सकते हो। और इस चैनल में मैंने यही करा, प्रूफ दिखाऊं, कंटेंट पे लेके चलते हैं मैं आपको। यहाँ पर देखो मैं भी इसमें बिजनेस टिप्स दे रहा हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर देखो कौन सा वीडियो देता था, मैं यहाँ पर टैग वीडियो, देखो सारी वीडियो टैग वीडियो है। सिर्फ टैग ही नहीं, मैंने इसमें जो फ्रॉड है स्कैम होते हैं उनसे बचने की टिप्स भी बताई थी, वो चीज़ें बताई थी। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इस वीडियो में देखो इससे पहले मैं टैग से पहले मैं क्या बनाता था, ये देखो आपको मैं बताऊँ फ्रॉड वाली वीडियोज ही बनाता था मैं। और इससे पहले की बात करूँ देखो भाई व्लॉग, ये मैं व्लॉग भी डाल रखे हैं चैनल, मैंने मतलब मैंने व्लॉगिंग से शुरुआत करा, फिर मैं कुछ फेक स्कैम को लोगों के सामने रखने लगा कि इस स्कैम से बचना है, वो भी नहीं चला। उसके बाद मैं यहाँ पर टिप्स यूट्यूब टिप्स में आया, वो भी नहीं चला। काफ़ी लंबे समय तक काम करा, मैंने ये गलती करी कि भाई मैं 10 वीडियो बना के नहीं देखी, मैंने यहाँ पर जो है 10 मैं कंटिन्यू काम करते रहा। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक मेरा कंटेंट चल गया बिजनेस टिप्स वाला जो मैंने पकड़ लिया। तो इस ट्रिक से अगर आप काम करते हो तो इन बड़े यूट्यूबर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, यहाँ पर कुछ वीडियोस आ रही हैं उनको देखे बिना मत जाना।